गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं बता भी चुका हूँ आपको कि मैं एक महीने से काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गया था और जो है काफ़ी तकलीफ भी हो गई थी। तो जो भी काम काज है सारे मुझे नहीं देख पाता था, तो काफ़ी कस्टमर भी नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी। और होता यह है कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं ना, तो कोई नहीं समझता है, फिर आपको ही समझना पड़ता है और आपको उसको ना सामना करना पड़ता है। ऐसे कुछ साल पहले मेरे साथ, 2-3 साल तो से ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, अभी नहीं बता पाऊँगा, विस्तार से बाद में बताऊँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ और आप लोगों के बीच में रोज़ आता रहूँ, फिर धीरे धीरे ना आपको अपनी स्टोरी बताना चालू करेंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, अभी डॉक्टर ने बोला है आराम करने के लिए, लेकिन आराम नहीं कर सकता क्योंकि मार्च एंड चल रहा है, 2-3 काम ऐसे अर्जेंट हैं जो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, जो है गाड़ी तो चला नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत कमज़ोरी है। योगेश भी मुंबई से आ चुका है, वो रहता है तो थोड़ा सा काम पर फोकस हो जाता है, क्योंकि फिर मैं अकेला पड़ जाता हूँ, सूर्या है ITR का देखता है, बाकी एम्प्लॉय देख नहीं पाते हैं, तो तकलीफ़ हो जाती है। तो अभी मैं उसको लेके जाऊँगा, एक जगह विज़िट करवाना था, विज़िट तो करवा दिया है, बस वहाँ पर जाके खाली एग्रीमेंट करवाना है, तो वो भी काम करवा लेते हैं जा कर के आज। इसके बाद फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और ब्लॉग पे बने रहिएगा, इतना ही कहना चाहूँगा। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए ब्लॉग, और ये मेरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, आप मुझे प्यार दीजिए, मुझे जो उम्मीदें हैं ना आपसे, वो मिल नहीं पा रहा मुझे। आप लोगों ने तो सबको स्टार बनाया है, मैं तो सोचता हूँ कि आप लोग मुझको, मुझ पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो मैं भी एक स्टार बन जाऊँगा। बहुत बहुत ख्वाहिश थी बचपन से ही, तो मुझे लगता है कि अब वो शायद पूरा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिए आप लाइन पे ही बने रहिए, यानी कि हर ब्लॉग पे बने रहिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। बस खाना खा के निकलते हैं। वैसे आज हमारे यहाँ बहुत खास बना है एक्चुअली, दिखा देता हूँ आपको। हमारे यहाँ कद्दू बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं, कोहड़े की सब्ज़ी और जो है कोहड़े की सब्ज़ी और चावल, आज खाने का मन था बहुत, तो मैंने मैडम को बोला, मैडम ने बनाया और सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनी है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम क्या खा रहे हैं। ये है हमारी कोहड़े की सब्ज़ी जो कि बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। खाना खा के निकलते हैं क्योंकि दवा भी लेनी है इसके बाद। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर, दिन भर के दौड़ भाग और थकान से, बहुत दौड़ होती है यार, तबीयत ना सही हो रहा है कि बावजूद भी अगर दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ही, अगर तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस होती है। लेकिन यह है कि घर पहुँचते ही जो है थकान जो है दूर हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि ये सब जो मिल जाते हैं इनको देख करके, ये है इनको देख करके। बाबू कुछी 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 तुम्हें देख करके तो बेटा एकदम अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश सा हो जाता हूँ। तुम्हें नाखून मार लिया ना यहाँ पे, देखो 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 देखो, तुमने नाखून मार लिया यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे आना या ये देखो नाखून मारे हो, तुम नाखून मारे हो, कुछ खाने को नहीं दे रहा हूँ, नाखून मारे हो वही बता रहा हूँ। ये देखो देखो दोनों दोनों हाथ मुंह में डाल देता है, एक तो मुंह में चला ही जाता है, देखो मैं हटाऊंगा फिर मुंह में जाएगा, देखो भी देखो भी अभी भी देखो अभी जस्ट मुंह में डालेगा। या तुम ही हो है ना, और ये जो है दिन भर एक टांग फैलाए जो है, देखो एक टांग फैलाए जो है ऐसे पड़े रहते हैं महाराज, और क्या देखते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, दिन भर ये देखता रहता है, पढ़ाई भी करते हो कि बस मास्टर बॉस सीजन टू ही देखते हो, बोलो एक ही फ्रेम में दोनों दिख रहे हैं, देखो वहाँ वो खेल रहा है और यहाँ ये बिजी है, आज इनका एग्जाम था, आज इनका एग्जाम था, लेकिन हुआ ये कि इन, क्या बोला था मैम ने, मैंने बोला घर में रखो, हाँ तो इनको छुट्टी मिल चुकी है, मैम ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देना और जो है इनको आने की ज़रूरत नहीं, वैसे पढ़ने में तो तेज़ है, तो ये इस बार तो पास हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बना के रखा है इसने, देखो ये देखो ये सब, और इसकी तो हालत ख़राब कर दी है इसने, देखो ये देख रहे, और दिन भर भागता है कछुए की तरह, दिन भर चलता रहता है दिन भर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो है बस हमें ऐसे प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, अदरवाइज़ तो आप मुझे देख ही रहे हैं, आपको दिखा ही रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ जो है हम दूसरे एक दूसरे से अपने दिल की बातें किया करेंगे। बाय।